हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए और मजेदार वीडियो में। 365 डेज मूवी जो नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडल्ट मूवीज में से एक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे नेटफ्लिक्स की टॉप 3 मूवीज जो कि बिल्कुल 365 डेज की तरह हैं। ये मूवीज आपको अकेले और कोपचे में बैठकर देखनी होगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पे मूवी आती है थ्रो माई विंडो। ये एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। इस मूवी में आपको एक रोमांटिक स्टोरी के साथ बहुत सारे अडल्ट सीन्स मिल जाएंगे। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी फोकस करती है रकेल के कैरेक्टर पर, जिसे अपने ही पड़ोस में रहने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। अब इन सब के कारण इन्हें आगे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी फिल्म देखना पसंद है तो ये मूवी भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ ये वन टाइम फिल्म में एक बार चेकआउट जरूर करना। नंबर 2 पे मूवी आती है रॉयल टीन। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक टीन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज हुई है। नेटफ्लिक्स की टीन ड्रामा मूवीज देखने वालों को ये मूवी बहुत पसंद आएगी। फिल्म की कहानी है लीना की, जिसे अपने स्कूल के लड़के काले से प्यार हो जाता है और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर अडल्ट सीन्स को एंजॉय करना चाहते हो तो इस मूवी को एक बार चेकआउट जरूर करना। नंबर 1 पे मूवी आती है द नेक्स्ट 365 डेज। अब ऐसा हो सकता है कि 365 डेज मूवी के बारे में बात कर रहे हो और इसका नाम ना हो। इस साल इस मूवी के नेटफ्लिक्स पर 2 पार्ट रिलीज हुए हैं और इसका पार्ट 3 हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है हिंदी में। फिल्म में स्टोरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हॉट सीन्स है। इस मूवी में आपको इतने हॉट सीन मिल जाएंगे जितने किसी पॉर्न में भी नहीं होते। मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, चेकआउट जरूर करना, जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट में बताना आपकी फेवरेट सीरीज या मूवीज कौन सी है, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।